गुड इवनिंग एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज का दिन बड़ा गजब का है, आज की संध्या बड़ी गजब की है। एक तो नवरात्रा में अष्टमी का पर्व है, माँ देवी की शक्ति के इस पर्व पर आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। और एक बहुत बढ़िया बात जो है वो ये है कि आज UPSC ने अपना फाइनल रिजल्ट जारी किया है और राजस्थान के युवाओं ने एक बार फिर अपने आप को साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं है। लेकिन भारतवर्ष के युवाओं ने जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसमें 180 के लगभग तो IAS बने हैं, 200 के लगभग IPS बने हैं और बाकी 1000 से अधिक टोटल IAS की पोस्टें, IFS वगैरह सारे बने हैं, तो उन सभी लोगों को उनकी मेहनत के लिए बहुत बहुत नमन और उन सब लोगों को उनकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। ये जो एग्ज़ाम IAS का ऑर्गेनाइज हुआ, इस एग्ज़ाम के बारे में सोचना, इस एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में सपना देखना और फिर उस सपने को हकीकत में बदलना, ये एक ऐसा कार्य है जैसे कि हम लोगों ने किसी बहुत बड़ी जंग को जीता हो। क्योंकि ये कार्य कोई चार किताबें पढ़कर नहीं होता है, ये कार्य कोई दो चार महीने की पढ़ाई करके नहीं होता है, ये कार्य केवल पढ़ाई की गपशप करके नहीं होता है। इस सफलता को अर्जित करने के लिए एक अधिगमकर्ता में, एक लर्नर में बहुत गजब की वैल्यू होनी चाहिए, बहुत गजब के उसके पढ़ाई के सिद्धांत और नियम होने चाहिए। अब फाइनल रिजल्ट जारी, कौन पास और कौन फेल, ये हमारा आज का जो है टॉपिक है। तो कौन पास और कौन फेल, तो जो पास हुए उनके नाम बताने नहीं आया हूँ, जो फेल हुए उनके नाम बताने नहीं आया हूँ मैं। कौन लोग पास हुए हैं जिनका धैर्य बहुत गजब का था, जैसे कि जोधपुर की एक बिटिया पास हुई है, तो उनके ब्रदर ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि 2 साल से वो घर पर भी नहीं आई है। त्यौहार, मेले, बहुत सारे पारिवारिक उत्सव होते हैं, किसी में भी नहीं आई। लगातार 2 वर्षों तक निरंतर धैर्य के साथ तैयारी करके पहले अटेम्प्ट में ही उन्होंने 73rd रैंक हासिल की है। अब देखो, धरा राजस्थान की बेटी ने IAS का जॉब हासिल किया है, पूरे राजस्थान को गर्व है। राजस्थान का एक और छात्र जो किसान परिवार से है और 2000 में पिताजी के जाने के बाद बहुत मेहनत करके पहले IIT बना और उसके बाद जॉब में रहते उन्होंने तैयारी करी और 53 रैंक यानी कि 53वीं रैंक उन्होंने हासिल करी। तो ये जज्बा है उनका, ये जुनून है उनका, ये अनुशासित मेहनत का परिणाम है। जो सपना देखा उसको हकीकत में बदलने के लिए उन लोगों ने अपनी पढ़ाई को शौक नहीं किया। वो जब पढ़ रहे थे, जब वो तैयारी कर रहे थे, तब कोई नहीं जानता था कि कोई अपना सब कुछ छोड़कर, सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी तैयारी को परिणाम तक ले जाने का प्रयास कर रहा है। और अब क्या हुआ देखो आप, कि आज उनकी तैयारी कहाँ रिजल्ट लेकर आ गई और आप और हम उनके उदाहरण दे रहे हैं। कल अखबार उनकी फ़ोटो से भरे हुए रहेंगे, आज के सारे न्यूज़ चैनल उनकी फ़ोटो बता रहे होंगे, सारे TV चैनल्स, सारे न्यूज़ वाले और सभी जो अपना इन सफलताओं को भुनाना चाहते हैं वो सब माइक और कैमरा लेकर उनके पास पहुंच जाएंगे। अब उन लोगों को आप लोगों के लिए मिसाल बनाकर प्रस्तुत करेंगे, उनसे कहलवाएंगे कि उन्होंने सफलता को कैसे अर्जित किया। सफल लोग हमेशा आदर्श होते हैं, सफल लोग हमेशा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा होते हैं और वो प्रेरणा स्रोत हमेशा रहते हैं। तो पूरी दुनिया अब उनके पीछे पड़ जाएगी, पूरी दुनिया के वो हीरो बन गए, पूरी दुनिया के वो अपने हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी के कालखंड में सब कुछ त्याग कर अपने लक्ष्य को ही अपना सर्वस्व मानकर, अपना उत्सव उनकी तैयारी था, त्यौहार उनका तैयारी था, जीवन उनका तैयारी था, यानी कि वो प्रिपरेशन ही करते रहे और जीवन का हर त्यौहार, हर उत्सव, हर परिवार और जीवन का हर सुख और वैभव अपनी उस तैयारी में ही ढूंढते रहे। अपनी किताबों के संग उन्होंने समय व्यतीत किया, अपने पाठ्यक्रम को अपना महबूब बनाया और आज वो लोग सफल हो गए हैं। तो UPSC के जिस प्रकार के परिणाम आए हैं और उसमें जिन लोगों ने सफलता अर्जित करी है, भारतवर्ष के उन सभी युवाओं का
बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनके लिए बहुत गौरव और गर्व की ये बात है कि उन लोगों ने अपने परिवार वालों को कम से कम ऐसा अवसर दिया है कि वो अपने समाज और अपने राष्ट्र में गौरवान्वित हो सके, है ना। 22 साल की कन्या, राजस्थान की बेटी ने IAS में रैंक हासिल करी है। कितना बड़ा उदाहरण है उम्र की, जिस दहलीज पर लोग मौज मस्ती में लगे रहते हैं, पंचायतों में पड़े रहते हैं, बातें करते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, आलोचक बनकर क्रिटिक करते रहते हैं, उस दौर में, है ना, मन को वश में रखकर, अपने मूल्यों को ध्यान में रखकर, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर उन्होंने सफलता को अर्जित किया है। तो वो सभी युवा प्रतियोगी जिन्होंने UPSC की इस परीक्षा में सफलता को अर्जित किया, उन सबको बहुत बहुत बधाई, और उन सभी युवाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 2024 में वो भी इसी प्रकार की सफलता अर्जित करने के लिए बहुत ईमानदारी और अनुशासन के साथ अपनी तैयारी को लेकर सजग भी है और अपनी तैयारी को लेकर वो पूरी तरह से समर्पित है। तो ऐसे समर्पित युवाओं को, ईमानदार युवाओं को और जिम्मेदार युवाओं को नमन करते हुए, उन सभी युवाओं को जो सफल हुए हैं एक बार पुनः बधाई देते हुए, उनके परिवार वालों को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू वेरी मच।